वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग जी स्टार्ट करते हैं। तो अभी दोस्तों मैं आया हूँ एक पाकिस्तानी हिंदू फैमिली के यहाँ, जो अभी फ़िलहाल कुछ ही दिन पहले बारिश आई, बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन, तो उसके अंदर हमारी हिंदू फैमिलीज के घर जो थे वो गिर गए थे। इधर शगाव पड़ा है और इधर कैमरा मैन पे करके देखेंगे, पूरे का पूरा इलाका जो था वो पानी में डूब गया था। अगर आप यहाँ पर भी देखो तो ये देखो, ये यहाँ पर एक घर हुआ करता था, जो घर इसके अंदर दफन हो चुका है, इधर समा गया था, मतलब गिर गया था घर, ठीक है। ये पास का भी जो रूम देखो, ये भी काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट हो चुका है। इन गरीबों की हेल्प करने के लिए कुछ तो राशन लेके आए हैं और कुछ इनके जो घर है उनकी छत वगैरह इनको एज अ गिफ्ट के तौर पर, एज अ हेल्प के तौर पर देने के लिए अभी आए हैं। तो अभी चलते हैं और शॉप के ऊपर और इनके लिए जो राशन है वो भी लेके आते हैं और फिर यहाँ पर इनको आके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो भी खाते हैं। ये साबुन है, सर्फ है, माचिस है, नमक है, घी है, हल्दी है, मिर्ची है, चीनी है और इस तरह के 6 आइटम है। चलिए और फिलहाल हम चलते हैं। उससे पहले ये थोड़ा सा एरिया आपको दिखा देते हैं। ये नहरवा करते थे और ये वहाँ से लेके इतना हिस्सा जो था वो टूट के इधर गिर चुका था और इसके अंदर ये देखें दरख्त वगैरह डाल के रखे हुए हैं और टूटने से पहले ये सारे का सारा इलाका जो था वो ख़राब हो चुका था, बिल्कुल तबाह वो बर्बाद हो चुका था। यहाँ पे हिंदू फैमिलीज़ के घर हैं, ये जैसा कि आप देख पा रहे हो ये टूटे हुए मकान और टूटे हुए घर आपको जगहें देखने को मिली। यहाँ पर कमरा था वो इसके अंदर टूट के गिर चुका था, बाद में यहाँ से मिट्टी उठा के यहाँ पर लगाया गया था। ये देखो पूरे का पूरा पानी इसके अंदर ओवर फ्लो होके इस साइड पर गांव की तरफ चला गया था। और फिलहाल चलते हैं और अभी घर भी आपको विजिट करवाते हैं, दिखाते हैं कि घर का क्या सीन आके बचा है। ये कमरा आप देख पा रहे हो ये बिल्कुल टूट चुका है और इसके अंदर जो भी सामान हुआ था वो सारे का सारा बिल्कुल ख़राब हो बर्बाद हो चुका है। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर इनका किचन वगैरह हुआ करता था, चूल्हा वगैरह, वो भी गिर के इसके अंदर आ चुका है और यहाँ से क्रेन से मिट्टी उठा के वो शगाफ को बंद किया गया। शगाफ किसे कहते हैं, नहर के अंदर से नहर को टूट जाना उसे शगाफ कहते हैं। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे इनके तंदूरी हुआ करते, रोटी बनाया करते थे। और अगर इस साइड पे मैं आपको आपको चल के दिखाऊं तो ये देख पा रहे हैं पानी के बहाव को रोकने के लिए यहाँ पे दरख्त वगैरह भी डाल के रखे हुए थे, लेकिन पानी इतना ज़्यादा फ्लो था कि उसने दरख्त को भी उखाड़ के इधर फेंक दिया है और इस साइड पर आपको पानी ही पानी और रेत ही रेत आपको देखने को मिलेगी। ये घर था जो टूट के बिल्कुल ज़ेर ज़मीन दफन हो गया है और ये वो घर है जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और बर्बाद हो चुका है, बारिश के अंदर गिर चुका है। ये देखो सारे के सारे किचन वगैरह और इस साइड पे बहुत ज़्यादा पानी का फ्लो था, तो ये नहर का रेत है जो इस साइड पे आके आ चुकी है। और अगर मैं आपको यहाँ की फसलें वगैरह भी अगर आपको विज़िट करवाऊँ तो फसल के अंदर रेत का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ था कि फसल के ऊपर जो फल फूल वगैरह लगे हुए थे वो टोटल के टोटल फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है। ये आप देख पा रहे हो, ये देखें फसल के अंदर इतनी ज़्यादा नहर की रेत आई है कि यहाँ पे पौधे सूख गए हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये देखो ये देखें पूरी की पूरी तरह से फसल बर्बाद हो चुकी है और ख़राब हो चुकी है जिसके अंदर रेत वगैरह आई है। ये देखें पौधे जो है ये सूखने लग गए, ये देख पा रहे हैं आप, ये देखें। और ये सामने आपको घर दिखाई देगा, ये वाला बिल्कुल घर, अभी बंदे इकट्ठे हो चुके हैं और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कुछ खाना पीना और कुछ राशन होगा और उसके अलावा कुछ छत वगैरह का सामान है, जैसे कि ईंटें वगैरह और टाइल्स वगैरह जो छत के अंदर बनाई जाती है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिलहाल इसके अंदर कुछ घी, चीनी, दाल और चाय की पत्ती, सब्जी, लाल मिर्च और सामान सारा टूट गया था, तो इसी को रिस्टोर करके और यही सामान न्यू ला के इनको दिया जा रहा है। इस साइड पे भी घर आपको देखने को मिलेगा। अरे अरमान ले दे यार।
चैलेंज। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, एक दिन के लिए चल जाएगा। चले जी, एक टाइम खाने बन जाए कोई बहुत है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमारे गरीब हिंदू भाइयों को राशन तकसीम किया गया, तो आपने यहाँ पे देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हो सके तो आप भी किसी ना किसी गरीब की हेल्प ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। गुड बाय एंड टेक केयर। जय श्री।